अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल ब्रदर मोबाइल। उम्मीद है ऐसे होंगे, फिट होंगे। तो गाइज, रेडमी का 12C 13C की कामयाबी के बाद अब रेडमी ने अपना न्यू मॉडल 14C मार्केट में कराया है। तो आज इसका रिव्यू करने वाले हैं। तो मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, इसका रिव्यू करते हैं, देखते हैं कि क्या ये मार्केट में इन हो पाएगा 12C 13C की तरह या फ्लॉप हो जाएगा। तो आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रेडमी 14C, इसके अनबॉक्सिंग करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तो डिवाइस अच्छी लग रही है। ये तो हो गया अनबॉक्स 14C। अब पहले देखते हैं इसकी एसेसरीज, एसेसरीज में इसमें इन्होंने क्या क्या चीज दी है। ये सबसे पहले हो गया सिम पिन, यानी कि इसके जरिए सिम निकालते हैं। और ये हो गई इनकी तरफ से बुक्स वगैरह। और अब आ जाते हैं इसके पाउच की तरफ। यार सबसे पहले मैं आपको ये शेयर करता चलूँ, इन्होंने ये गुड ऑप्शन दिया अपने व्यूवर सब्सक्राइब के लिए, क्योंकि आप 12C देख रहे हैं या 13C देख रहे हैं, उसमें ये ट्रांसपेरेंट मौजूद नहीं है, लेकिन इन्होंने 14C के साथ ये ट्रांसपेरेंट बुक दिया, गुड ऑप्शन। तो ये हो गया चार्जर, और सबसे बड़ी बात है इन्होंने चार्जर में भी अपग्रेड किया है, 33 वाट का चार्जर दिया है। जबकि 13C देख लें या 12C देख लें, 12C में तो टाइप सी चार्जर ही नहीं था, उसमें दूसरे वाले USB वाली और 86 पिन वाला चार्जर था, टाइप सी भी नहीं था। 13C में टाइप सी है, लेकिन 15 वाट का चार्जर है, और ये 14C है, इसमें 33 वाट का चार्जर दिया उन्होंने, और साथ में ये टाइप सी केबल है। अब आ जाते हैं डिवाइस की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमाल की लुक की है, डिजाइनिंग के बिग डिस्प्ले दिया है, क्योंकि अक्सर कस्टमर डिमांड भी करता है कि बिग डिस्प्ले में हमें कोई डिवाइस दिखाएं, और उन कंपनी ने ये बिग डिस्प्ले दिया है अपने व्यूअर सब्सक्राइबर के लिए। बहुत बड़ी ऑफर है इस रेंज में, बिग डिस्प्ले डिवाइस और अच्छे फीचर के साथ कम प्राइस में बहुत अच्छी डिवाइस निकाली है 14C। डिजाइनिंग चेक करें और शाइनिंग चेक करें। मैं आपको ये कलर इसमें कलर शेयर करता चलूँ। इसमें 4 कलर हैं, ब्लैक कलर है, ग्रीन कलर है, ब्लू कलर है, और जो चौथा कलर है वो है वाइट कलर। कमाल की डिवाइस, स्लिम स्मार्ट और हैंडी सेट है। मूवीज के लिए तो A1, गेमीज के लिए A1 डिवाइस, क्योंकि इसका बिग डिस्प्ले है, और जो जिसका बिग डिस्प्ले होता है वो मूवीज के लिए और गेमिंग के लिए बहुत अच्छी डिवाइस है। तो आप इसकी शाइनिंग चेक करें, ये देखें कमाल की शाइनिंग है। और इसके आप मैं आपको बैक चेक कराऊं, इसकी बैक प्लास्टिक है, और ये इसका फ्रेम जो है ये भी प्लास्टिक है, फ्रंट इसका गिलास है। इसे करते हैं ऑन। अच्छा, मैं जब तक ये ऑन होता है मैं आपको ये शेयर करता चलूं कि आपको ये डिजाइनिंग इनकी अच्छी लगी है कि नहीं लगी, क्योंकि अब तो ज्यादातर कंपनियों के तमाम मॉडल इसी डिजाइनिंग में आ रहे हैं। टेक्नो का कॉमन 30 हो गया, स्पार्क 20 प्रो प्लस हो गया, अब टेक्नो का एक और मॉडल भी आ रहा है 13S, जिसकी आजकल प्री बुकिंग चल रही है, और उसके साथ अगर आप प्री बुकिंग करेंगे तो आपको वॉच भी मिलेगी, वो भी कमाल की डिवाइस निकाल रहे हैं, वो इंशाल्लाह चंद दिनों में आ जाएगी। तो उसके भी इस तरह डिजाइनिंग की हुई है, स्पार 20 प्रो प्लस की इस तरह। अब अच्छा, सबसे बड़ी बात है इन्फिनिट का जो 0 फोल्ट है उसका भी इस तरह उन्होंने कैमरे की डिजाइनिंग की है, और ओप्पो के मॉडल हैं रीनो 12F हो गया, 1 लाख वाली इन्वाइस वाला भी है, 70 हज़ार इन्वाइस वाला, उसकी भी इस तरह डिजाइनिंग की है। ये डिजाइनिंग बहुत अच्छी है, लेकिन मैं अपनी पसंद शेयर करूँ, मुझे कैमरे की ये डिजाइनिंग अच्छी नहीं लगती भाई, मैं अपनी पसंद आपको शेयर कर रहा हूँ। लेकिन कुछ हमारे कस्टमर ऐसे भी हैं जो इसी डिजाइनिंग को देख के सेट को चॉइस करते हैं कि ये हमें यही दे दें। आप पसंद अपनी अपनी। हाँ जी। अच्छा, मैं ये इसकी सेटिंग भी कर रहा हूँ साथ साथ में, और ये देखें साथ साथ इसकी सेटिंग भी कर रहा हूँ, और मैं आपको इसके फीचर भी बता देता हूँ। सबसे पहले आ जाता हूँ मैं इसकी रैम रोम की तरफ। इसकी 6 GB रैम है, और आप 6 इसकी एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि टोटल 12 GB रैम हो जाएगी, और इसकी रोम जो है 128 है, यानी कि 6 128 है, 6 प्लस 6। मुझे तो सेट अच्छा लग रहा है यार।
लेकिन इसका जो 12C 13C है वो भी कमाल के इनकी डिवाइस है। 13C अभी तक भी मार्केट में इन है, मैदान छोड़ भी नहीं रहा अभी तक भी। अब ये देखते हैं कि इसका अपना ही मॉडल 14C इसकी छुट्टी कराता है कि नहीं कराता, अब ये भी देखेंगे आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इनका कंपेयर भी कराएंगे 14C और 13C में क्या कौन सी चीज़ों का डिफरेंस है, और ये 14C अपने ही मॉडल 13C की छुट्टी कराएगा कि नहीं कराएगा। और मैं आपको इसकी रैम रोम शेयर कर चुका हूँ। अब आ जाते हैं इसके प्रोसेसर की तरफ, क्योंकि गेमिंग में प्रोसेसर बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसमें प्रोसेसर अक्टा कोर लगा हुआ है, 1.8 अक्टा कोर प्रोसेसर लगा हुआ है, G81 का प्रोसेसर लगा हुआ है, गेमिंग प्रोसेसर है। और इसकी जो चिपसेट है वो 12 NM है, वो भी कमाल का है चिपसेट। और अगर मैं आपको इसका डिस्प्ले शो कराऊँ तो बिग डिस्प्ले है, 6.88 बिग डिस्प्ले IPS के साथ है। और मैं आपको इसका स्क्रीन रेफ्रेशन बताऊँ तो ये 120 Hz इसका स्क्रीन है। तो ये डिवाइस वेट के लिहाज से भी बहुत कम वेट है, 204 ग्राम इसका टोटल वेट है, और ब्रिकनेस के लिहाज से भी बहुत अच्छी है, 8.2 mm इसकी ब्रिकनेस है। और ये साइड पे इन्होंने फिंगरप्रिंट दिया है, और वॉल्यूम अप डाउन की, ऊपर की तरफ इन्होंने हैंड ब्रेक जैक दिया, 3.5 का ऑडियो जैक दिया है। मुझे ये स्टाइल इनका अच्छा नहीं लगा, क्योंकि 3.5 का ऑडियो जैक नीचे की तरफ होना चाहिए था, क्योंकि इंसान हैंड फ्री यूज़ जो करता है चलो नीचे की तरफ हैंड फ्री लग जाता है, नहीं तो ये हैंड फ्री को पीछे की तरफ से लाना पड़ता है। तो ये सेट बिल्कुल इनकी प्लान है, सिर्फ सिम स्लॉट है। मैं आपको सिम स्लॉट भी इसकी चेक करा देता हूँ कि इन्होंने डुअल सिम दिया है और ऑप्शन भी दिया है कि नहीं दिया, मेमोरी कार्ड का ये हो गया गुड ऑप्शन है, डुअल सिम है प्लस मेमोरी कार्ड का ऑप्शन भी है। और नीचे की तरफ आ जाती है पावरफुल स्पीकर, माइक और टाइप सी चार्जर, और इसकी 5000 mAh बैटरी है, 5160 mAh है इसकी, 5000 नहीं है, थोड़ी अपग्रेड इन्होंने किया है, 5160 mAh इसकी बैटरी है। और साथ में 33 वाट का चार्जर भी दिया है। तो ऑन हो गया डिवाइस, अब आ जाते हैं इसकी कलर ग्राफिक्स की तरफ, देखें कलर ग्राफिक्स इसके इस रेंज में बहुत अच्छी डिवाइस है। ये देखें कलर ग्राफिक्स भी माड़े नहीं है, अच्छे हैं कलर ग्राफिक्स भी। हाँ शाइन तो दे रहा है वैसे। जी अब आ जाते हैं इसके कैमरे की तरफ, मैं आपको इसका कैमरा भी चेक करा देता हूँ। इसका बैक वाला जो कैमरा है, मेन कैमरा, वो 50 MP है, और जो फ्रंट सेल्फी कैमरा है वो है 13 MP। मैं आपको इसका रिजल्ट चेक कराने लगा हूँ, ये देखें ये देखते हैं कि ये देखें रिजल्ट चेक करें, अच्छा रिजल्ट है भाई। हाँ इतने पैसों में ठीक है। हाँ जी मैं आपको इसकी जूमिंग भी चेक करा देता हूँ, 10x से जूमिंग। अब आ जाते हैं पोर्ट्रेट की तरफ, ये आ गया इसका पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट भी अच्छा रिजल्ट है, ये देखें सिर्फ मैंने नीचे फोकस कराया है, अच्छा रिजल्ट है यार। मुझे तो इस रेंज में बहुत अच्छी डिवाइस लगी है। इसका फ्रंट कैमरा भी देखते हैं, 13 MP इन्होंने दिया है, ब्रांड भी अच्छा है। अच्छा है। क्या कहते हैं गाइस, आप इस बारे में क्या कमेंट्स करेंगे, क्या ये मार्केट में इन हो जाएगी और अपने ही मॉडल 13C को फ्लॉप कर देगी? आपने कमेंट्स करना है, कमेंट्स करना ना भूलिएगा। तो मैं आपको लास्ट में इसकी प्राइस भी शेयर करता चलूँ। इसकी जो प्राइस है वो 33,000 इसकी इनवाइस रेट है, और ये आपको लेस के साथ मिलेगा, 31,000 में, 31,000 में मिल जाएगा आपको 14C। तो इसके साथ अपने दोस्त को इजाजत दीजिए, और साथ ही हमारी शॉप की लोकेशन नोट कर लीजिए। हमारी शॉप का नाम है सिटी फोन लियाकत बाजार ब्लॉक 15 डेरगाह खान, और हमारे चैनल का नाम है ब्रदर मोबाइल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, फिर अमान।